भारत इतना ताकतवर देश, लेकिन भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों? भारत एक ऐसा देश जो पिछले 2 दशक से एक ताकत उभर कर आया है और अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा है। भारत को अब बड़ी बड़ी कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, पावर कंट्रीज, सुपर पावर कंट्रीज अपनी समान नजर से देखती है। भारत पर भरोसा किया जाता है इंटरनेशनली, लेकिन फिर भी भारत का पासपोर्ट इतना कमजोर क्यों? क्या आपको पता है भारत के पासपोर्ट की पोजीशन कितनी पीछे है? 87 पोजीशन है भारत के पासपोर्ट की ताकत की अगर बात की जाए तो। भारत के पासपोर्ट की अगर रैंकिंग की जाए तो वो 87th नंबर पर आता है। यानी 87 देशों के पासपोर्ट भारत देश से पावरफुल है, उनके देश के पासपोर्ट। भारत इस मामले में पिछड़ भी रहा है दोस्तों। किसी भी देश में एंटर करने के लिए, वहाँ घूमने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है पासपोर्ट और वीजा, और वीजा निर्भर करता है पासपोर्ट की शक्ति पर। पासपोर्ट किसी दूसरे देश में सिटीजनशिप और आइडेंटिटी का काम करता है। अगर किसी देश में रुकना हो तो उसका टेम्पररी राइट प्रोवाइड करता है वीजा। अगर किसी एक देश का दूसरे देश से कोई वीजा एग्रीमेंट साइन हो रखा है तो उस देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, जैसा भारत का 67 देशों के साथ है। 67 देशों के साथ वीजा पॉलिसी एग्रीमेंट है। अगर आपको ये 67 ज्यादा लग रहा है, जरा रुकिए और आगे सुनिए दोस्तों। जापान का वीजा पॉलिसी एग्रीमेंट 183 देशों के साथ साइन है, और ऐसे ही जापान के जैसे ही बहुत से और भी देश हैं। अब आपको एहसास हुआ अभी भारत का पासपोर्ट कितना वीक है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है? जब भारत हर चीज में आगे बढ़ रहा है, फिर पासपोर्ट के मामले में हम पीछे क्यों हैं? क्या कोई चूक हो चुकी है भारत से, या भारत के साथ भेदभाव को बढ़ावा आज भी दिया जाता है, या वजह कुछ और ही है? चलिए दोस्तों, हम आपको बताते हैं क्यों भारत के पासपोर्ट का इतना बेहाल क्यों है। दोस्तों, जापान, जर्मनी, साउथ कोरिया, स्पेन, इटली, फिनलैंड, ये ऐसे देश हैं जिनके नागरिक सिर्फ पासपोर्ट के बेसिस पर दुनिया घूम सकते हैं और दूसरी कंट्रीज में रुक भी सकते हैं। इन्हें वीजा की जरूरत नहीं पड़ती, इन्हें कभी भी जाने के लिए प्री डिपार्चर वीजा की जरूरत नहीं है। इसके बाद 5 और देश इस लिस्ट में आते हैं, लेकिन भारत कहीं नहीं है दोस्तों। 2006 में भारत की पोजीशन 71 थी, यानी 71वीं थी, और 25 देशों में इंडियंस को फ्री वीजा एक्सेस मिलता था, यानी उस देश में जाने के लिए वीजा की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिर्फ पासपोर्ट है तो चले जाओ आगे, ऐसे हो जाती थी बात। फिर 2019 आते आते ये पोजीशन 83rd पहुंच गई थी। 2020 में ये पोजीशन 85 पर बरकरार थी। 2021 में ये पोजीशन 85th पर बरकरार थी, यानी फिक्स थी। लेकिन 2022 में फिर से 87 पर ये फिर से पहुंच गई है। देखा आपने, 2006 में भारत 25 देशों में बिना वीजा एंटर किया जा सकता था, लेकिन फिर भी उसकी रैंक 71 थी, और आज 67 देशों में वीजा फ्री एंट्री होने के बावजूद पोजीशन 87 पर पहुंच गई है। दोस्तों, इससे ये साफ पता चलता है भारत के वीजा फ्री एक्सेस वाली कंट्रीज के नंबर तो बढ़े हैं, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितने बाकी देशों के बढ़े हैं। भारत कछुए की चाल से चल रहा है, इसीलिए आगे जाने के बजाय पीछे खिसक गया है। अब भारत की रैंक किसी ऊपर की रैंक में पहुँच पाएगी, ये कहना अभी नामुमकिन है। बाकी देशों ने अपनी वीजा फ्री एक्सेस वाली कंट्रीज के नंबर बढ़ा लिए हैं, लेकिन भारत ऐसा कर ही नहीं पाया। वैसे ही पासपोर्ट को पोजीशन कौन देता है? कौन देता है ये रैंकिंग्स? कहां से मिलता है ये डेटा? देश की क्या पोजीशन है? कौन कब कितना आगे गया और कौन कितना पीछे आया? दोस्तों, ये जानकारी रिलीज करती है एक लंदन बेस्ड इमिग्रेशन कंसल्टेंट हेनली एंड पार्टनर्स। हर साल ये कंपनी पब्लिकली एक इंडेक्स रिलीज करती है, जिसमें 199 कंट्रीज के पासपोर्ट को रैंकिंग दी जाती है, इस आधार पर कि उस कंट्रीज ने कितने वीजा फ्री कंट्री एक्सेस पा लिया है। इस रैंकिंग के लिए हेनरीज एंड पार्टनर्स IATA यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन से डेटा कलेक्ट करती है, और उसके बेस पर ही ये रैंकिंग इंडेक्स बनाया जाता है। वैसे भारत में 4 तरीके के पासपोर्ट होते हैं। ये उस पासपोर्ट को रैंक करता है जो नॉर्मली नॉर्मल पर्सन को मिलते हैं, उन्हीं पर अपने इंडेक्स पर रैंकिंग देता है। दोस्तों, भारत के पासपोर्ट के सबसे खराब पोजीशन का
कारण है आज के समय में फॉरेन एंट्री परमिट पर रिस्ट्रिक्शन लगा देना। दोस्तों, इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2018 के बाद से ही यूएस ने इंडियन प्रोफेशनल के लिए H-1B का प्रोसेस काफी टाइट कर दिया है, खास करके इंडियन टेक वर्कर के लिए। दुनिया अपने देश के दरवाजे बंद कर देना चाहती है और इसका कारण आपको अपने भारतीय होने पर भी गर्व करवा सकता है, लेकिन साथ ही एक समस्या भी है। दोस्तों, कारण यह है कि दुनिया अब एक टेक वर्कर को एक थ्रेट की तरह देखने लगी है। भारत के लोग जो रोटी और रोजी के लिए वहाँ जाते हैं और मेहनत करके एक अच्छी सैलरी वाली जॉब पा लेते हैं, दोस्तों H-1B1 वीजा US के द्वारा हाईली स्किल्ड पर्सन को दिया जाता है US में काम करने के लिए। US के कुछ एक्सपर्ट के अनुसार वीजा का इंडियन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कंपनीज की ग्रोथ में अच्छा खासा योगदान रहा है। US में 2018 के बाद कंफर्म करने के बाद ही इस वीजा की पॉलिसीज को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया। सिर्फ US ने ही नहीं, UK ने भी 2016 से पहले इमिग्रेशन लॉस पर काम करना शुरू कर दिया था और नवंबर 2016 में UK ने अपने नए वीजा रूल्स अप्लाई किए थे, जिसमें एक हाई सैलरी भी मेंशन करी थी, जो कि TA2 इंट्रा कंपनी ट्रांसफर की कैटेगरी के अंदर वीजा के लिए अप्लाई करते हैं। UK ने भारत के अलावा और भी कंट्रीज के साथ ऐसा किया है। कई बार UK ने US एप्लीकेशन को भी बिना कारण के डिले किया और अनजस्टिफाइड रीजन के लिए भी रिजेक्ट किया। ऑस्ट्रेलिया ने भी भारत के स्किल पर्सन को ध्यान में रखते हुए ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाई थी। हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया ने पॉलिसी बनाई है वो काफी रिस्ट्रिक्टिव है और ये भारतीयों के लिए ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए काफी डिफिकल्ट बना देती है। न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड जो अपने वीजा पॉलिसीज को ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं रखते, अब उन्होंने भी अपने वीजा रूल को टाइट कर दिया है। सिर्फ इंडियन स्किल प्रोफेशनल्स के लिए नहीं, इंडियन स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसी पॉलिसीज को काफी स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। उसका कारण है इकोनॉमिक प्रेशर, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट। इन कंट्रीज को लगता है जब इंडियन स्टूडेंट उनकी कंट्रीज में जाकर पढ़ते हैं तो ज्यादा मेहनती होते हैं और आराम से वो जॉब पा लेते हैं, इसलिए भी इंडियन पासपोर्ट थोड़ा कमजोर है। और आपको ये भी बता दें कि जो इंडियन के स्टूडेंट होते हैं उनकी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज जिस देश में है उन टॉप 3 कंट्रीज का नाम है USA, UK और ऑस्ट्रेलिया। और अब यही देश इमिग्रेंट वर्कर्स को रोकने में अपनी पॉलिसीज में बदलाव कर रहे हैं, जिससे इंडिया में प्रभाव बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत से बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं ताकि वो अच्छा व्यापार, अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। और भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भी पासपोर्ट की रैंकिंग गिराने में जिम्मेदार है। भारत की तरफ से हॉलीडे सीजन के दौरान वीजा एप्लीकेशन की संख्या 20,000 पर डे के हिसाब के आसपास पहुंच जाती है, जिससे एक बैकलॉग भी क्रिएट होता है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव इंडिया के पासपोर्ट की रैंकिंग पर भी पड़ता है। अब जाते जाते हम तो यही कहेंगे कि जो लोग विदेश में जाते हैं पढ़ने के लिए या काम करने के लिए, उनसे तो हम ये कहना चाहेंगे कि वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज भारत में ही क्यों नहीं क्रिएट करते, भारत को ही क्यों ना सोने की चिड़िया बनाएं, ताकि हमारा इंडिया का पासपोर्ट भी मजबूत रैंक पर खड़ा हो। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।